अगर आपके पास भी ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन है और वो ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन आपसे कुछ इस प्रकार पासवर्ड लॉक या पैटर्न लॉक या पिन लॉक लग गया है, तब जाकर आपने इस वीडियो को ओपन किया, क्योंकि हमने अपना थंबनेल में साफ साफ लिखा है ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ें, पासवर्ड पैटर्न पिन विदाउट सर्विस सेंटर विदाउट डाटा लॉस। फ्रेंड, आपको पता होना चाहिए फ्रेंड कि जब आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन इस प्रकार लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो आप कितना प्रॉब्लम में फंस जाते हो। आपको वर्क करने के लिए अपने फ़ोन से सिर्फ आप एक ही वर्क कर सकते हो, वो वर्क होगा आप बस कॉल रिसीव कर सकते हो। कॉल रिसीव करने के अलावा आप अपने फ़ोन से किसी भी प्रकार का कोई भी वर्क नहीं कर सकते हो फ्रेंड, सिर्फ और सिर्फ कॉल रिसीव कर सकते हो। और जब आप इस प्रॉब्लम को लेकर सर्विस सेंटर जाओगे, 99% बंदे जब उनका फ़ोन लॉक होता है और अनलॉक नहीं होता है तो वो लोग सर्विस सेंटर या रिपेयर मोबाइल दुकानदार के पास जाते हैं। दोनों जगह फ्रेंड आपका फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, नो डाउट। मैं ये कभी नहीं कहता हूँ कि वो लोग फ़ोन अनलॉक नहीं करते हैं, करते हैं, लेकिन वो लोग ऑनलाइन की मदद से, सॉफ्टवेयर की मदद से आपका फ़ोन अनलॉक कर देंगे, आपका पैसा लेंगे, आपका समय लेंगे और आपके फ़ोन में जो डाटा है टोटल का टोटल डाटा डिलीट कर देंगे। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फैमिली फ़ोटो, फैमिली ऑडियो, फैमिली वीडियो, जिस कंपनी में आप वर्क करते हो उस कंपनी का डॉक्यूमेंट टोटल का टोटल वो लोग डिलीट कर देंगे फ्रेंड। आप लोग इतना बात माइंड में याद रखना। लेकिन अगर इस मेरे मेथड को अगर आप भी अपने ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फॉलो करते हो तो आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो वो टूटेगा और बिना डाटा डिलीट किए हुए टूटेगा। आपको ना ही पैसा देना है ना ही डाटा देना है। और सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, आपके फ़ोन में जो भी वर्क करेंगे वो आपको दिखाकर नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए। लेकिन इस मेथड में हम आपको दिखाएंगे भी, बताएंगे भी और सिखाएंगे भी, ताकि आप लोग भी सीखो ओप्पो मोबाइल का लॉक कैसे तोड़ा जाता है। फ्रेंड, अगर आप चाहते हो कि आपका ओप्पो एंड्रॉयड स्मार्टफोन घर बैठे अनलॉक हो जाए, बिना सर्विस सेंटर गए, बिना पैसा दिए, बिना डाटा लॉस किए, बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप चाहते हो कि आपका ओप्पो फ़ोन अनलॉक मिले, तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा फ्रेंड। 2024 ईयर फरवरी मंथ का हम आपको वीडियो इसमें मेथड बताएंगे, उस मेथड को फॉलो करके आप ओप्पो मोबाइल का कोई भी लॉक तोड़ सकते हो फ्रेंड। तो आइए फ्रेंड, मैं बिना टाइम लिए ही इस इंटरेस्टेड वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। अगर आप लोग भी मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा दोस्त, ताकि ऐसा वीडियो मैं बनाता रहूं और वो डायरेक्ट आप लोग के पास पहुंचता रहेगा फ्रेंड। सबसे पहला वर्क आपको करना है, जब आप अपने स्क्रीन के ऊपर स्वीप अप करोगे आप देखोगे इस फ़ोन में पासवर्ड लॉक है। ये आपका पासवर्ड का डायलेट है, ये आपका पासवर्ड का या पासवर्ड का स्पेस है, ये आपका पासवर्ड का डायलेट है। आप जब अपना पासवर्ड अपने फ़ोन में डायल करोगे आपका फ़ोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये रॉन्ग पासवर्ड है। आप देख सकते हो फ्रेंड, बार बार जब यहाँ ट्राई करोगे सेकंड शो करेगा, बार बार ट्राई करोगे मिनट शो करेगा, धीरे धीरे आपका फ़ोन डेथ होता चला जाएगा। आपको इस फ़ोन पे नज़र डालना है और देखना है कि आपको यहाँ पे इमरजेंसी कॉल के अलावा कोई भी ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या। इमरजेंसी कॉल के अलावा आपको कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, सिंगल फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास इमरजेंसी कॉल, जहाँ पर हम वर्क करेंगे। तो हम इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करेंगे। आपको बार बार हम एक बार और बता देते हैं, जब आप अपने फ़ोन पे स्वीप अप करना, वर्क करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिखेगा सिर्फ इमरजेंसी कॉल के अलावा, आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करना। जब आप इमरजेंसी कॉल पे क्लिक करोगे तो आपके सामने एक न्यू डायलेट का ओपन होगा। बस इस न्यू डायलेट में आपको स्टार हैज 899 और हैज पे सबसे पहले क्लिक करना है, क्योंकि ये कोड गूगल मास्टर अनलॉकिंग कोड होता है। और ये कोड जब आप अपने डायलेट पे डायल करोगे तो आपके सामने इंजीनियर मोड नाम का पेज खुलेगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सारे बंदे यहाँ पे आके कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बहुत सारा ऑप्शन रहता है फ्रेंड। तो चौथा नंबर ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, मैनुअल टेस्ट पे। चार नंबर ऑप्शन इंजीनियर मोड में, मैनुअल टेस्ट पे आप क्लिक करोगे, फर्स्ट पे ऑप्शन छोड़ दोगे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज पे आओगे और सबसे पहले जी सेंसर को सर्च करोगे आप कि जी सेंसर है कहाँ। ये सेंसर और एम सेंसर ये दोनों फ़ोन का सेंसर होता है, और आपको पता करना है कि आपके फ़ोन का सेंसर एक्टिव है या डीएक्टिव है। जी सेंसर होता है ओरिजिनल सेंसर, तो हम जी सेंसर पे क्लिक करेंगे और ऊपर में क्लिक करेंगे। आप पाओगे फ्रेंड इसी प्रकार, अगर इस प्रकार है तो आप समझ जाना कि आपका सेंसर एक्टिव है। एक्स वाई जेड तीनों एंगल वर्किंग में है। अगर ये एक्टिव नहीं होता, डीएक्टिव होता तो ये रुका हुआ होता। अब हम इसको बैक करेंगे, यहाँ से हमको पता चला हमारा सेंसर एक्टिव है। जस्ट नीचे आपको दिख रहा होगा जायरोस्कोप, जायरोस्कोप पे क्लिक कर लीजिएगा। सेकेंड ऑप्शन जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट, ये टेस्ट आपको देना है और यहाँ पास लाना है। अगर एक बार में पास नहीं आता है तो आपको कंटिन्यू ट्राई करना है जब तक पास नहीं दिखता है। अगर जब तक यहाँ पास नहीं दिखेगा तब तक आपका फ़ोन अनलॉक नहीं होगा फ्रेंड। तो सबसे पहले ये जायरोस्कोप सेल्फ टेस्ट आपको देना है, सिंपल तरीके से क्लिक कीजिएगा और आप देखिएगा मेरा पास आया एक बार में। अगर आपका भी इसी प्रकार पास आता है तो आप बैक कर लेना फ्रेंड, अगर पास नहीं आता है तो आपको यहाँ
कंटिन्यू ट्राई करना है जब तक पास न शो हो जाए। ऊपर आपको दिख रहा होगा ग्राफ, ग्राफ पे क्लिक करना और इसको 10 सेकंड के लिए रनिंग करते हुए छोड़ देना, ताकि आपके फ़ोन में जो भी ईमेल जीमेल है वो ऑटोमेटिकली तरीके से ब्रेकअप हो जाए। और जब आपको लगे कि 10 सेकंड कंप्लीट हो गया तो आप इसको बैक कर सकते हो फ्रेंड। अब आपको हम बताएंगे डाटा रिकवर कैसे किया जाता है, जो सर्विस सेंटर वाले पैसा समय लेने के बावजूद भी नहीं कर पाते हैं। 3 नंबर ऑप्शन है डाटा डिस्प्ले का, यहाँ बस आपको सिंपल तरीके से क्लिक करना है, टोटल वर्क ये खुद करेगा। आप देख सकते हो एक्स वाई जेड तीनों का तीनों वर्किंग में है और नीचे की ओर इंक्रीज हो रहा है। ये आपका फ़ोन का टोटल डाटा रिकवर हो रहा है। अगर ये 30 तक 30 तक बिना रुके हुए पहुँचता है तो आपका डाटा टोटल का टोटल रिकवर कन्फर्म। ये मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊंगा भी। 30 प्लस हो चुका है, हम इसको बैक करेंगे और चले जाएंगे सबसे लास्ट पेज पे जिसका नाम होगा अदर्स। अदर्स पे आने के बाद आपको रीड राइट इंपॉर्टेंट लॉक टेस्ट दिख रहा है, सेकंड नंबर ऑप्शन, आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फर्स्ट टाइम में आपको कैंसिल करना है फ्रेंड, और सेकंड टाइम में आपको ओके करना है। अगर आपके ही फ़ोन में ये रॉन्ग पासवर्ड शो कर रहा है तो आप समझ जाइएगा पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन वो रिसेट होना स्टार्ट हो चुका है फ्रेंड। 3 नंबर ऑप्शन है की या स्टेटस, की बोले तो चाबी, चाबी बोले तो लॉक, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और अगर यहाँ पे आपको पास दिखता है तो आपका फ़ोन सच में अनलॉक होता है और वो भी विदाउट डाटा लॉस होता है। तो आपको बस यहाँ सिंपल तरीके से क्लिक करना है। आप देखोगे नेम में जितना भी की है फ्रेंड, और स्टेटस में आप देखोगे तो सारा पास 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 दिख रहा है। इसका मतलब मेरे वर्क के अनुसार ऑटोमेटिकली तरीके से अब आपका पासवर्ड हो या पैटर्न हो या पिन हो वो टूट चुका है। तो अब कन्फर्म करने के लिए आपको रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर का जरूरत पड़ेगा। लास्ट ऑप्शन रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर, यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और अगर यहाँ भी पास दिखा तो आपका फ़ोन सच में अनलॉक, वो भी विदाउट डाटा लॉस। तो हम क्लिक करते हैं रीडिंग रीसेट कंप्लीट इंडिकेटर पे और आप देख सकते हो यहाँ भी हमारा पास शो किया है। तो आपका फ़ोन अब सच में अनलॉक है और वो भी विदाउट डाटा लॉस है। तो यहाँ पे होम बटन है, हम होम बटन पे क्लिक करेंगे और चेक करेंगे कि ये फ़ोन अनलॉक हुआ है या नहीं। जी हाँ फ्रेंड, आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन अनलॉक हो चुका है और वो भी विदाउट डाटा लॉस हो चुका है फ्रेंड। इस फ़ोन का एक भी डाटा डिलीट नहीं हुआ है। अगर आप अभी सर्विस सेंटर जाते, पैसा लगता, समय लगता, डाटा भी लग जाता जो आपको दिख रहा है। मैंने वो मेथड ही बताया जिस मेथड से आप ये डाटा रिकवर कर सकते हो फ्रेंड। तो आई होप फ्रेंड कि मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आपके पास किसी भी कंपनी का फ़ोन है, लॉक हो चुका है, अनलॉक नहीं हो रहा है, आप इस मेथड को फॉलो करके उसको अनलॉक कर सकते हो। और अगर कोई मॉडल से प्रॉब्लम है तो आप मेरे चैनल पे कमेंट करना, मैं आपका पूरा मदद करूंगा फ्रेंड। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।